लेकिन जनाब अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो मिसिंग वैल्यूज़ को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में मिसिंग वैल्यूज़ को इंक्लूड करना सीखा था। मिसिंग वैल्यूज़ के रोले, मेरा जो ब्लॉग मैंने लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा, आप में से काफ़ी लोग हंसे भी होंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने ऐसी वो उसमें दी हुई हैं स्टोरी लाइन बना के, एंड वहाँ से आपको समझ भी आई होगी। अगर आपने नहीं वो पढ़ा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मिसिंग वैल्यूज़ को और एडवांस लेवल पर सीखने के लिए स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड देन यू विल सी कि हम किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ से डील कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये ब्लॉग कभी भी पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ हमेशा ही रहनी है डेटा में, ठीक है। सो मिसिंग वैल्यूज़ एक ऐसे ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी है जो हर जगह पे मौजूद है, वो किसी भी वजह से आ सकती है। तो ये ब्लॉग आप ज़रूर पढ़ें, आपने इसे पढ़ा भी होगा, एक स्टोरी लाइन के थ्रू मैंने बताया, और नीचे फिर एट दी एंड मैंने बताया कि किस तरीके से इनके क्या क्या नाम है। अगर आप गौर करें, इनको एन ए भी बोला जाता है, एन ए एन भी कहा जाता है, नल भी, अनडिफाइंड भी, ब्लैंक या एम्प्टी भी, प्लेस होल्डर वैल्यूज़ भी, एंड इसको सेंटिनल वैल्यू भी बोला जाता है, या डमी डेटा की वैल्यू भी बोला जाता है, एंड मिसिंग डेटा भी बोला जाता है। सो देर आर मेनी नेम्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। अहम क्यों हैं? कभी कभार आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन वैल्यूज़ की, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते। और एक बड़ी बात आपको बता दूँ, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू को अगर आप देख रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज़ आपका कोड नहीं चलने देती, इतना फ्रस्ट्रेट करती हैं आपको, आप दंग रह जाएंगे। एंड यू विल सी व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस का डेटा एनालिसिस, अगर मिसिंग वैल्यू है इन्होंने काम खराब कर देना। सो आइदर यू नीड टू राइट देयर NaN और NA वैल्यू, एंड देन इट विल बी वर्किंग फाइन। और अक्सर औकात ये आपके डेटा के अंदर डिस्टर्बेंस भी ले आती हैं, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो ये ब्लॉग जो मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत एक अच्छी गाइड है आपको बताने के लिए। फिर हमने तीन बेसिक, एक और बंदे का जो ब्लॉग था वो भी हमने पढ़ा था, टॉप थ्री वेज टू इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज, वो भी हमने देखे। जो मैंने आपको बेसिक मेथड्स पढ़ाए हैं मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करने के, वो आपको याद होंगे, नहीं याद तो मैं सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊंगा, ताकि आपको पिछला जो है वो लेक्चर जो है वो दोबारा से याद आ जाए, और उसी से मैं फिर आगे लेके चलूंगा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आर स्टूडियो ओपन हो गया। हमने लास्ट टाइम जो काम किया था, अच्छा यहाँ पे चेक करें, चलें कुदरतन यहाँ पे एक अपडेट आ चुकी है। आप देखें कि आर स्टूडियो, वो बोल रहे हैं कि अभी हमने नया जो है वो लॉन्च किया है आर स्टूडियो, ये उसका वर्जन है, आप इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में कहते हैं कि क्विट एंड डाउनलोड, रिमाइंड लेटर, या इग्नोर अपडेट। सो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज अपडेट टू द न्यू वर्जन। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमें नहीं पता होता अक्सर औकात आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मैं साथ साथ इसको डाउनलोड भी करूँगा और इंस्टॉल भी करूँगा, साथ साथ आपके साथ बात करूँगा, कभी कभार हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो बग्स होती है ना, छोटी 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 वार्निंग्स वगैरह, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रही होती हैं कि उनकी अपडेट होने वाली है। तो जब भी आपके पास ये वाला आर स्टूडियो का अपडेट आए या कोई भी अपडेट आए, तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर आप अभी करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि 253 MB का, और मेरे पास थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है, नॉट अ लॉट अच्छी, क्योंकि मैं जूम की मीटिंग भी ले रहा हूँ साथ साथ। सो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास अभी डाउनलोड हो गया। ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन का तरीका अगर आसान है, आपने डबल क्लिक करना है इस पर, यह सिंगल क्लिक करना है, देन इट विल बी इंस्टॉल्ड। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड देन नाउ इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड। अभी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास हमने जो तरीके देखे थे उस दिन मिसिंग वैल्यूज़ को इम्प्यूट करने वाले, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आप किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आपने रिप्लेस करना है, तो आप उसका क्या ले सकते हैं, मीन, ठीक है। अगर आप कैटेगोरिकल वैल्यू देख रहे हैं, तो उसका मॉड लेना होता है आपने, मॉड या रिपीटेड वैल्यूज। अगर आप न्यूमेरिक देख रहे हैं, तो उसका मीडियन भी ले सकते हैं, मीडियन या मीन दोनों लेके उस वैल्यू को मिसिंग वैल्यूज के साथ इंप्यूट कर सकते हैं। अब मीन क्यों लेते हैं, इसकी रीजन जो है वो मैं आपको उस दिन भी बताई थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये आपके पास एक पहला प्लॉट होता है किसी भी एक डेटा के ऊपर, जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो आप एक सबसे पहला प्लॉट बनाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट या हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। इस प्लॉट को समझेंगे हम, और क्यों मीन और मीडियन को यूज कर रहे थे ये बात हम समझेंगे, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे ये एज का एक कॉलम है जो टाइटैनिक के डेटा का, ठीक है, और यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास इसका काउंट है। इसका मतलब है कि अगर 0 से 6 माह एज है, तो वो तकरीबन इतने लोग हैं, लेफ्ट साइड पे लोग उतने हैं, काउंट का मतलब इतनी एज में इतने लोग,
फिर यहां से यहां तक दूसरा बिन है। अच्छा, इसको बिन बोलते हैं, बिन यानी कि कितनी एज ग्रुप वाले लोग, ग्रुप्स या बिन जिसे कहा जाता है। तो ये सेकंड बिन है, इसमें कौन से होंगे, एक साल वाले, फिर डेढ़ साल, फिर दो साल, फिर तीन साल, अंटिल 20 ईयर्स। और यहां पर अगर आप गौर करें, आपके पास ये वाली बिन जो है वो सबसे हाइएस्ट है, ठीक है। और यूजली इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं डेटा की। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कई किस्म की होती है, ठीक है। अगर आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर जाएं तो हम फिर समझते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से देख सकते हैं और कितनी किस्म की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं अपनी स्टेटिस्टिक्स की बुक पे आपको ले जाता हूं और यहां पे आपको समझ लग जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की होती है। बट इवन बिफोर दैट, इफ यू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब डेटा को ऐसे छोड़ा जाए, छोड़ने से मुराद है कि डेटा को बोलेंगे लो भी अपने ग्रुप्स बना लो, और वो ग्रुप्स ऐसे बनाएं कि अपने इर्द गिर्द वाले, आसपास वाले जो हैं वे एक दूसरे के साथ लाइन है, जैसे असेंबली नहीं होती, असेंबली बना के खड़े हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहां पे छोटे बच्चे हैं, ये 10 साल तक लोग हैं, इन्होंने अपनी लाइनें बना ली चार ग्रुप्स में, फिर आगे आगे 20 साल वाले, फिर आगे आगे 40, 60, 80 तक। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइन लंबी है उतने उस ग्रुप या उस बिन में ज्यादा लोग हैं, जितनी लाइन छोटी है उतने कम लोग हैं। अब आप मुझे देख के यहां पे बता नहीं सकते कि जो यूजुअली कब जो है जाके ये ज्यादा डिक्लाइन आता है एज में टाइटैनिक के ऊपर। अगर आप अंदाजा लगाएं, यहां से 40 साल है ना, 40 साल में भी ज्यादा लोग हैं लेकिन यहां से डिक्लाइन आ रहा है नीचे को, यानी कि 40 के बाद लोग कम होना स्टार्ट हो गए हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। वो कहते हैं ना कि स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको बच्चे मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगे थोड़े से जवान टीनेजर मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ज्यादातर मिलेंगे वो लोग जो 20 से 40 साल की उम्र के हैं। फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं यहाँ पे ज्यादा बुजुर्ग मिलेंगे, सो यू कैन फाइंड दैट वन देयर एज वेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डेटा की शो करवाती है कि डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास मल्टीपल किस्म की टाइप्स हैं, ठीक है। ये चेक करें, अगर आप हिस्टोग्राम बनाएं और आपका डेटा, लेट मी शो यू, अगर फिगर यहां पे नीचे आ जाती है या दिस वन, आप कोई भी डेटा की बनाएं शेप और ये इस तरीके से ऊपर से नीचे बेल की तरह बन जाए, अगर आप इसके ऊपर लाइन करें, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बेल कर्व अगर बिल्कुल सही हो तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि हिस्टोग्राम बनाना, कितने लोग हैं यानी कि काउंट कितना है डिफरेंट ग्रुप्स का, और उसकी शेप ऐसे बन जाए, इसे बोलते हैं नॉर्मल। अगर दोनों साइडों से ऐसे दो हिस्से बन जाए, यानी कि आप ये समझ लें कि दो पहाड़ ऐसे बन जाए, देन इट्स बाई मॉडल, एक मॉडल दूसरा मॉडल, बाई मॉडल, ठीक है। देन यू हैव, अगर आपके पास एक शेप लॉन्ग हो जाए और दूसरी दूसरे तरीके से हो जाए, इसको नॉन सिमेट्रिक भी बोला जाता है और इसको डिफरेंट किस्म की शेप्स में भी आप लेके आ सकते हैं, बट आई वुड से नॉन सिमेट्रिक। अगर कोई चेंज ना आए, सीधी रोड की तरह हो, समथिंग लाइक दिस, दिस इज फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट बन रही है और यहां पर आके दो तीन लोग सेपरेटली शो हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आउटलायर्स। ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, इफ आई कैन डू दैट, इट्स नॉट वर्किंग बाय द वे, सो यहां पे दिस वन इज आउटलायर। एंड इसके अलावा अगर आप टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैसे देखेंगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल होती है, फिर पॉइसन होती है, फिर बाइनोमियल होती है, एंड देर आर मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट है स्टेटिस्टिक्स में और डेटा साइंस में, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है कि आपका डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है। अब इसी को हम समझेंगे और फिर आपको टेक्निक समझ आ जाएगी व्हाई वी एक्चुअली रिप्लेस नल वैल्यूज विद मीन, ठीक है। अब मैं दोबारा से आर स्टूडियो ओपन करता हूं अपना। बहुत आसान है हिस्टोग्राम बनाना, आपने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और उसमें बिन्स बता देनी है कितनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम के लिए, कॉलम जिसका आपने बनाना है सारा कुछ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है, एंड देन उसकी जो है वो आपने जो डिफरेंट और
कॉलम्स की जो पैरामीटर्स हैं वो बता देने। सो यूजुअली इट शुड बी अ न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक होती है, कैटेगोरिकल का लेवल वैल्यू काउंट चेक होता है, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगोरिकल वैल्यू का वैल्यू काउंट, वी विल सी दैट। अब यहां पे मैं इसको से फॉर एग्जांपल 9 नंबर स्क्रिप्ट बोल देता हूं, कंट्रोल एस 09 डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों जरूरी है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे लाइब्रेरी करूंगा, लाइब्रेरी पैकेजेस, और सबसे पहला पैकेज जो है मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट 1 कर देता हूं एंड थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूं। लाइब्रेरी पैकेजेस हम करेंगे और पहला पैकेज जो है लाइब्रेरी टाइडीवर्स, टाइडीवर्स, कंट्रोल एंटर, नाउ इट्स रनिंग। यहां पे आपको नजर आ गया ये लाइब्रेरी टाइडीवर्स हो चुका है। अब हमने अगला काम क्या करना है, आई विल लोड दिस टाइटैनिक डेटा टू मेक इट सिंपल फर्स्ट एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द अदर डेटा। सो टाइटैनिक का डेटा जो है हमारे पास, वो डेटा के अंदर जाके यहां पे जाके अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे टाइटैनिक एक्सेल एसएक्स भी पड़ा है। अगर मैं व्यू फाइल पे क्लिक करूँ या इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करूँ, आई कैन एक्चुअली इंपोर्ट द डेटा सेट और यहीं से हम डेटा सेट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर व्यू कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब आपको पता है मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ, द अदर थिंग डजंट वर्क। सो इससे क्या होगा, कम अज़ कम मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि डेटा किस तरीके का नज़र आ रहा है। एंड नाउ इट्स फाइन, आई विल जस्ट क्लिक हियर, इम्पोर्ट डेटा सेट पर क्लिक करूँगा, यहां से ये वाला कोड मैं उठाऊंगा, कॉपी, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, यहां पे मैं इस कोड को df और डैश कंट्रोल v, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो व्यू करके मैं इसे देख लेता हूं, व्यू df, लेट्स सी ये मेरे पास काम करता है कि नहीं करता, होपफुली इट विल वर्क। Could not find read excel, of course library read excel भी करना पड़ना है। इसको रन करते हैं, नीचे वाले पे आके उसको रन करते हैं, ये df साहब इधर आ गए हैं, हम इसको व्यू कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमने एज के कॉलम की लेनी है क्योंकि ये न्यूमेरिक है, राइट। एज के कॉलम को हमने चेक करना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड से ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, और इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं आपने करना, आप या तो जीजी प्लॉट से भी कर सकते हैं, वरना आप यहां पे हिस्ट भी लिखेंगे ना, हिस्ट लिख के आप डीएफ एज करेंगे, ठीक है, डीएफ डॉलर साइन एज एंड दैट्स इट, ये ले, ठीक है। ये बिल्ट इन आर का फंक्शन है विच इज शोइंग यू के आपके डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। अब आप खुद मुझे अंदाजा लगा के बताइए यहां पर कितनी बिन्स हैं जी, गिने दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bins. Can we mention more bins? Bins is equal to, let's see, 20 कर ले, ये मुझे एरर दे रहा है, मैं यहां पे बिन लिखता हूं, अभी भी मुझे एरर दे रहा है। So that means we should have some kind of argument जिसकी base पे हमारे पास bins आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास इससे तो bins नहीं आई, what if we try with ggplot, ठीक है। अब मैं यहां पे ggplot2 के साथ इसी plot को बनाऊंगा, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। draw a histogram with ggplot2 having 10 bins. ले, मैं इसको रन करता हूं, एंड हियर यू गो, ये ggplot2 के साथ बन गया, और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑफकोर्स आप बिन्स का स्टाइल और थीम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सिर्फ ggplot2 का आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपने ggplot लिखा, df यानी कि डेटा दे दिया, एस्थेटिक्स बता दी उसकी, एंड जियोमेट्री बता दी, तीन होते हैं ना पैरामीटर्स, आपको याद होगा, ठीक है। सो हमने इस तरीके से इसकी बिन्स बना ली। आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं, प्लस लगा के अगर आप चाहें तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं थीम, ठीक है, और थीम ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं, देखिएगा ये वाली आ गई। अगर आपने क्लासिक करनी वो भी हो सकता है। सो सिर्फ थीम लगा के अंडरस्कोर लगाएंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर थीम लिखता हूं, ये देखें ये सारी थीम्स हैं, आप कोई भी चूज करें उसके हिसाब से आपके पास प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी, अगर मैं बिन्स को 20 करता हूं,
तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को 20 बिन्स के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा बात कि क्यों हमने मीन या मीडियन लेना है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास 4 या 5 मिसिंग वैल्यूज हैं एज के कॉलम में, मेरी बात सुनिएगा गौर से, यानी कि 5 लोगों की एज हमारे पास मौजूद नहीं है हु ट्रेवल्ड इन टाइटैनिक, ठीक है। अब अगर मैं 80 के साथ उसको रिप्लेस कर दूं तो बाकी लड़ेंगे नहीं कि हम तो एक ही बुजुर्ग देख रहे थे वहां पे, आपने 5 डाल दिए, ये हो ही नहीं सकता, गलत डेटा है। बात समझ आई? 70 वाले का भी यही हाल होगा। तो क्यों ना हम वो वाली वैल्यू चूज करें जो लोग के, हाँ भाई हो सकता है बड़े बड़े जवान फिर रहे थे, इतनी एज के तो लोग थे। एंड दैट्स द मेन रीजन ऑफ यूजिंग मीडियन या मीन। मीडियन या मीन क्या होता है? ये एक्चुअली सेंटर ऑफ द डेटा होता है। स्टेटिस्टिक्स के अगर आपने लेक्चर सुने हुए दैट्स ग्रेट, नहीं सुने हुए तो एबीसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स अगेन, अगर आप जाएंगे एबीसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स पे कोडेनिक्स, तो आपके पास प्रॉपर जो है ये हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट आ जाएगी, एबीसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक दफा अच्छे से सुन लें तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी जो मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं देखी, नो वरीज अबाउट दैट। सेंटर का मतलब होता है कि जब आप डेटा को प्लॉट करें जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूज आ रही हो, यानी कि उससे इस साइड पे भी उतनी वैल्यूज हो, उस साइड पे भी उतनी वैल्यूज, उसे सेंटर बोला जाता है। और वो सेंटर जहां पे बिल्कुल सेंटर हो आफ्टर सॉर्टिंग दैट आउट, दैट सेंटर इज कॉल्ड मीडियन। और अगर वो वाला सेंटर जो ऑन एन एवरेज सभी की वैल्यूज को जमा करके उनके नंबर पे डिवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड मीन। मीडियन और मीन में आपको फर्क पता चल गया? मीडियन क्या होता है? जब आप सॉर्ट कर ले सारी वैल्यूज को और उनका सेंटर, फिर मीन क्या है? सारी वैल्यूज की एवरेज, ठीक है। अगर मैं यहां पे, अब देखिएगा यहां पे ये प्लॉट हमारे पास बने, इसका मतलब है इसकी एवरेज कोई होगी ना, तो ऑफ कोर्स आपको यहां पे प्लॉट पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं कि एवरेज क्या है। यू कैन सिंपली राइट मीन ऑफ डीएफ एज 29.69 इसका मीन है। अब मैं मीडियन निकालता हूं, मीडियन ऑफ डीएफ एज दैट इज 28। ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? और इनमें हमेशा फर्क होता है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आपने लिखना जरूर है कि आपने मिसिंग वैल्यूज को किसके साथ रिप्लेस किया व्हेन यू वर डीलिंग विद न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। अब एक क्यों, किस केस में यूज करना है, दूसरे किसके, दूसरा किस केस में यूज करना है, अब आपको मैं समझाने लगा, बड़ी गौर से देखिएगा। यहां पे एक वैल्यू आ जाती है 120, उस 120 ने भला क्या करना है? एवरेज 29 से उठा के 35 पे ले जानी है, लेकिन मीडियन सेंटर में ही रहना है 28.कुछ। समझ आई? इसकी एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, अब देखिएगा, अब आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी जो पॉइंट मैं, अल्लाह करे मुझे समझाने में इजी हो जाए। मैं यहां पे लिखता हूं ए, ठीक है, ए को मैं एक वेक्टर में डाल लेता हूं, ठीक है, यहां पे देखिएगा, और यहां पे मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 34 ये मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बी की भी वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, सेम वैल्यू है, ए जो है वो 100 से बगैर है और बी जो है वो 100 के साथ है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पे हम लेते हैं मीन ऑफ ए एंड देन वी विल सी मीन ऑफ बी, ठीक है, एंड देन वी विल सी मीडियन ऑफ ए एंड मीडियन ऑफ बी। मैं बारी बारी रन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, बड़ी गौर से आपने देखना है। अच्छा जी, ये मैं ले रहा हूं मीन ऑफ ए, ए इज नॉट फाउंड, मैंने उसको रन नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, लेट मी जस्ट रन दीज टू, मीन ऑफ ए दैट इज 10.75 विच इज कंसिडरेबल, सेंटर में आ गया यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यूज ज्यादा थी। अब हम मीडियन देखते हैं, ठीक है, देखिएगा 7.5,
अब आप अगर गौर करें इस डेटा पे 10.5 आता है यहां पे करके, लेकिन 7.5 एग्जैक्टली सेंटर है। चेक किया, ए की बात हो रही है। अब हम मीन बी की बात करते हैं। मीन बी जो है वो बेसिकली 10 से उठ के 100 की वजह से 10 से उठ के 17 पे चला गया। अब हम मीडियन बी की बात करते हैं, मीडियन 8 पे ही है। समझ आई बात की या नहीं? मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आपकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से होती है ना, मीन और मीडियन पास पास ही होंगे, जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है एक ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल हटके बिल्कुल आउटलायर है या एक्सट्रीम वैल्यू है, फौरन से मीन उठ के उसकी तरफ भाग जाता है, यानी कि वो मीन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे वो मीन को अपनी तरफ खींचेगी, मीन साहब क्या करेंगे, उसकी तरफ भाग के चले जाएंगे, वो आइदर राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड में। ये माइनस में भी होती, ऐसा ही होना था। अब आप खुद सोचें कि इस वजह से मीडियन इज मच बेटर टू यूज फॉर मिसिंग वैल्यू इम्पिटेशन। समझ आ गई बात की? थोड़ा सा फर्क है एरर का, बट यू शुड यूज मीडियन। रीजन क्या है कि यहां पे आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो फिर भी हमारे पास 8 ही जो है वो चेंज होनी चाहिए, विच इज मीडियन। और अगर मैं यहीं पे और भी ज्यादा इंट्रोडक्शन कर देता हूं किसी चीज का, देन इट विल बी डिफरेंट। अब आपको इसकी इसी एग्जाम्पल को मैं और तरीके से समझाने लगा, बहुत आसान करके देखिएगा। इसका मैंने एक वेक्टर बनाया, ए वैल्यूज है कोई भी कॉलम है, इसका मैंने मीन ले लिया विच इज 10.75। ठीक है, मैंने जैसे ही इसमें 100 ऐड किया, इसका मीन हो गया 17। मैं जैसे इसमें 500 ऐड करता हूं, इसका मीन हो गया 52। कैसे छलांगे मार रहा है मीन। ठीक है, अब यही काम हम करने वाले हैं सेम मीडियन के साथ, मीडियन। और यहां पे मैं एंड वाली दो वैल्यूज निकालता हूं, मीडियन 7.5 है। देखिएगा, मैंने यहां पे 100 डाल दिया, मीडियन 8 हो गया, मैं यहां पे 500 डालता हूं, अब 8.5। समझ आ गई बात की? वो छलांगे मार रहा था मीन साहब, ये देखें 52 17, लेकिन मीडियन को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि सेंटर, असल सेंटर जो होता है वो मीडियन होता है डेटा का, जो एवरेज होती है मीन, दैट इज डिफरेंट। फिर हमारे पास मीन की दो तीन किस्में होती हैं, हार्मोनिक मीन होता है, दूसरा तीसरा सिंपल मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। सो यू नीड टू लर्न दोज मीन की डिफरेंट टाइप्स, बट फॉर नाउ द मेन थिंग वाज कि आपने जब भी मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करना है, ट्राई टू यूज मीडियन इंस्टेड ऑफ मीन। और उसकी रीजन मैंने आपके सामने बता दी है, एंड यू कैन से कि बाइसनेस इंक्रीज हो जाती है अगर मीन को हम यूज कर रहे हैं और वैल्यूज बहुत बड़ी हो। अगर दोनों आसपास है ना, कोई 0.5 का फर्क है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर 1.5 2 3 पॉइंट्स का फर्क है, देन ट्राई टू यूज वन एज कंपेयर टू द अदर वन।